एक बार की बात है, सीतापुर गांव में दो सहेलियां किमाया और अर्चना रहा करती थी। किमाया एक अनाथ लड़की थी, उसके माता पिता नहीं थे और वह गरीब बहुत ज्यादा थी। अपना पालन पोषण करने के लिए उसे काम करना पड़ता था, पैसे कमाने पड़ते थे। और वहीं दूसरी तरफ उसकी सहेली अर्चना, वह बहुत ही ज्यादा अमीर थी, उसका अपना पूरा परिवार था। अर्चना अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहा करती थी। अर्चना और किमाया एक ही कॉलेज में पढ़ा करती थी और वहीं पर दोनों की दोस्ती हुई थी। किमाया 4 दिन से कॉलेज नहीं जा रही थी। अर्चना किमाया के घर आती है और उससे कहती है, अरे यार किमाया, क्या हुआ? 4 दिन हो के कॉलेज नहीं आ रही, तबीयत तो ठीक है ना? तुझे पता है ना, एग्जाम आने वाले हैं और अगर इसी तरह छुट्टी करती रही तो तुझे एग्जाम में नहीं बैठाया जाएगा। लास्ट ईयर में फेल होना चाहती है क्या? अरे यार नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं तो कॉलेज आना चाहती हूँ, लेकिन फीस जमा नहीं हुई ना, इसलिए प्रिंसिपल मैम ने कहा है जब तक फीस जमा नहीं हो जाती तब तक मुझे कॉलेज आने की कोई जरूरत नहीं है। और जहाँ पर मैं काम करती हूँ वो आंटी अभी गांव में है नहीं, बस कल वापस आ जाएंगी, तो मैं कल से कॉलेज आना शुरू हो जाऊंगी। अगर पैसों की ही बात थी तो मुझसे मांग लेती। हाँ, मुझे अच्छी तरह से पता है तू बहुत खुददार है, मुझसे पैसे कभी नहीं लेगी, जानती हूँ। लेकिन उधार मांगने में कैसी शर्म, जब तेरी आंटी आती तब वापस कर देती, अगर कॉलेज से नाम कट जाता तो। चल छोड़, मैं तुझे बताना चाहती हूँ, अब लास्ट ईयर चल रहा है, अब मैं अपने दिल की बात सुमित को बता दूंगी। तू जानती है ना कि मैं उसे पसंद करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ। हाँ, मैं तो तुझसे पहले ही कह रही थी, तू नहीं इतना समय लगा दिया अपने दिल की बात बताने में, अब बता देना, देर मत करना। वैसे भी कुछ ही दिन बचे हैं हमारे कॉलेज में, उसके बाद तो सब अलग ही हो जाएंगे। और वैसे भी तेरी मम्मी तो तेरी शादी करना चाहती हैं, सुमित से बात कर, अपने पेरेंट्स को बता। वैसे अर्चना, सुमित बहुत अच्छा लड़का है, उसके साथ तू खुश रहेगी। अर्चना और किमाया ढेर सारी बातें करती हैं और उसके बाद अर्चना अपने घर वापस आ जाती है। और अगले दिन जब किमाया को पैसे मिलते हैं तो वह कॉलेज की फीस जमा कर देती है और दोबारा से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देती है। कुछ दिन बाद एग्जाम होते हैं और जब एग्जाम खत्म हो जाते हैं तो अर्चना सुमित के पास जाती है। अर्चना के कुछ कहने से ही पहले सुमित अर्चना से कहता है, अर्चना तुम तो किमाया की बहुत अच्छी दोस्त हो ना, मुझे तुमसे कहना था, क्या तुम माया तक मेरा मैसेज पहुंचा दोगी? मैं माया से शादी करना चाहता हूँ। सुमित यह तुम क्या कह रहे हो, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? वो गरीब, तुम जानते हो ना वो कितनी ज्यादा गरीब है, और गरीबी को भी छोड़ो, उसका रंग रूप देखा है, कितनी ज्यादा सांवली है। मेरे सिवा उसका इस कॉलेज में कोई दोस्त नहीं है, उससे कोई बात करना भी पसंद नहीं करता, और तुम शादी करना चाहते हो ऐसी काली लड़की से और इतनी ज्यादा गरीब लड़की से। अरे खुद को देखो, तुम कितने हैंडसम हो और कितने ज्यादा अमीर हो, तुम ऐसी काली लड़की को, गरीब लड़की को डिजर्व नहीं करते। अर्चना यह तुम अपने दोस्त के बारे में बात कर रही हो, देखो मेरे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है और रंग रूप मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। तुम्हें बात नहीं करनी तो मत करो, मैं खुद कर लूंगा। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो तो बस मैं इसलिए कह रही थी, तुम्हारे घर वाले उसे पसंद नहीं करेंगे ना। ठीक है, अगर वो तुम्हारी पसंद है तो मैं उससे बात कर लूंगी, लेकिन तुम्हें बात करने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी अभी बात नहीं हो सकती, वो एक हफ्ते के लिए अपनी मौसी के यहाँ जा रही है दिल्ली। जैसे ही दिल्ली से वापस आएगी मैं उससे बात कर लूंगी और तुम्हें बता दूंगी, और वैसे भी वो तुम्हें मना कर ही नहीं सकती, क्योंकि तुम्हें कोई लड़की मना कर ही नहीं सकती। अर्चना सुमित को किमाया से बात करने से मना कर देती है। अगले दिन दोनों सहेलियां दोबारा से मिलती हैं, तभी किमाया अर्चना से कहती है, अर्चना क्या तुमने सुमित से बात की? देखो अभी बात नहीं करोगी तो फिर देर हो जाएगी, तुम्हें बात कर लेनी चाहिए, तुमने तो उसका घर भी देखा है, एक दो बार नोट्स लेने के बहाने उसके घर गई थी, किसी बहाने अभी जाकर उससे मिल लो। अरे पागल, मैंने बात कर ली है और वो अपने पेरेंट्स को मेरे घर लाने के लिए कह रहा है, वो मान गया है मुझसे शादी करने के लिए। यही बात बताने के लिए तो मैं तुझे गोलगप्पे खिलाने मार्केट लेकर आई हूँ, यह मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। और हाँ किमाया, मैं दिल्ली जा रही हूँ, मेरी मौसी की बेटी की शादी है ना, और मैं चाहती हूँ कि तू मेरे साथ चल,
वहाँ मेरा कोई दोस्त नहीं है, मैं अकेली बोर हो जाऊंगी। दिल्ली एक हफ्ते के लिए, यार पता नहीं छुट्टी मिलेंगी या नहीं। तुझे पता है ना कितने मुश्किलों से तो एक जगह काम मिला है, अगर वहाँ से मुझे निकाल दिया गया तो बहुत समय लग जाएगा दूसरा काम ढूंढने में, और जब तक मुझे भूखा रहना पड़ेगा। अब तो चाहती है कि मैं भूखी रहूं। ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी मम्मी की उनसे अच्छी बात है, वो तुझे काम से नहीं निकालेंगी और तुझे छुट्टियां भी मिल जाएंगी। यार प्लीज अब मना मत करना, और अब तो देख मेरी शादी भी हो जाएगी। मैं दिल्ली से अपने लिए शादी का लहंगा भी लेकर आना चाहती हूँ, क्योंकि वहाँ पर चांदनी चौक में बहुत ही ज्यादा सुंदर सुंदर ब्राइडल लहंगे मिलते हैं। अर्चना जानबूझकर कि माया को अपने साथ एक हफ्ते के लिए दिल्ली लेकर जाना चाहती थी, ताकि इस बीच सुमित और किमाया की बातचीत ना हो जाए, अर्चना घर आकर अपनी पैकिंग करने लगती है, और वहीं दूसरी तरफ किमाया भी अपनी पैकिंग कर अर्चना की तरफ आने लगती है। तभी अर्चना की माँ अर्चना से कहती है, अर्चना कॉलेज तक वह काला टीका तेरे साथ थी तो मैंने कुछ नहीं कहा, मैं कुछ नहीं कहती थी, मुझे तेरा उसके साथ उठना बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं नहीं चाहती कि वह काली कलूटी हमेशा तेरे साथ तेरे पल्लू से बंधी रहे। तू जानती है ना वह मनहूस है, बचपन में ही अपने माँ बाप को खा गई, कोई रिश्तेदार भी उसे मिलने नहीं आता उसकी मनहूसियत की वजह से। तो उस गरीब काली कलूटी से अपना पीछा क्यों नहीं छुड़ा लेती? खुद को देख कितनी ज्यादा सुंदर है, कितनी अमीर है, तुझे क्या दोस्तों की कमी है? अब दिल्ली भी तो उसे अपने साथ लेकर जाएगी। नहीं नहीं तू अकेली जा, उस काले टीके को अपने साथ मत लेकर जा। अर्चना रूम के बाहर की माया को खड़ा देख लेती है, वह अपने आंसू साफ कर रही थी। तभी अर्चना अपनी माँ से कहती है, मम्मी वो मेरी दोस्त है, सबसे अच्छी दोस्त है, और जहाँ मैं जाऊँगी वहाँ वो मेरे साथ जाएगी। आपको मेरे दोस्त के बारे में इस तरह से बात करने का कोई हक नहीं, आप मेरे दोस्त को ऐसे नहीं कह सकती कि माया मेरी दोस्त है इसलिए वो मेरे साथ जाएगी। अर्चना अपना बैग लेकर की माया के साथ जाने लगती है। तभी की माया अर्चना से कहती है, यार जब तेरी मम्मी मेरे बारे में ऐसा सोचती है तो तेरे रिश्तेदार मेरे बारे में पता नहीं क्या सोचेंगे, और वहाँ तो शादी है। मुझे लगता है कि अर्चना तुझे अकेले ही शादी में जाना चाहिए, मेरा वहाँ जाना ठीक नहीं है, कहीं मेरी वजह से तुम्हें शर्मिंदगी ना उठानी पड़े, और मैं नहीं चाहती कि मेरी दोस्त मेरी वजह से शर्मिंदगी का सामना करे। तो मेरी दोस्त है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या कहता है, और तुझे पता है यह जंगल बहुत ही ज्यादा अच्छा है, यहाँ पर हमें हरियाली देखने को मिलेगी, सुंदर सुंदर फूल देखने को मिलेंगे, और प्यारे प्यारे जानवर भी, इसलिए मैंने सोचा कि आउटिंग भी हो जाएगी और हम शहर भी चले जाएंगे, यह जंगल शहर जाने के लिए सबसे अच्छा है। मेरी दोस्त की माया की बच्ची माई फुट, मम्मी बिल्कुल ठीक ही कहती है, तू मेरी जिंदगी में ग्रहण लगाने के लिए आई है, सुमित को तो मैं तेरा कभी नहीं होने दूंगी। सुमित से शादी करेगी तू सुमित से शादी करेगी, ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अब तू इस जंगल से कभी वापस नहीं जाएगी, सुमित सिर्फ मेरा है मेरा, मैं उसे तेरा कभी नहीं होने दूंगी, काली कलूटी। अर्चना मन ही मन यह सारी बातें सोच रही थी, वह उसे दिल्ली नहीं लेकर जा रही थी, बल्कि वह तो इस घने जंगल में उसे जंगली जानवरों का शिकार बनाने के लिए लेकर आई थी, ताकि उसका रास्ता साफ हो जाए और सुमित उसे मिल जाए। बेचारी की माया अपनी दोस्ती से इतना ज्यादा प्यार करती थी, उसके ऊपर आंख बंद कर भरोसा करती थी, और वही दोस्त उसकी इतनी बड़ी दुश्मन वो नहीं जानती थी। कुछ दूर चलने के बाद जंगली शेर अर्चना को नजर आते हैं, और वह जानबूझकर उनके सामने उसे धक्का देकर वहाँ से भागने लगती है। कि माया जोर जोर से चिल्लाती है, अपनी दोस्त से मदद मांगती है, अर्चना अर्चना कहाँ भागे जा रही हो, प्लीज मेरी मदद करो, यह जंगली शेर मुझे कच्चा चबा जाएंगे, प्लीज मुझे इस तरह से अकेला छोड़कर बच जाओ, अर्चना अर्चना प्लीज मुझे बचाओ। सॉरी यार मुझे जाना होगा, मैं तेरे चक्कर में अपनी जान खतरे में तो नहीं डाल सकती, मुझे जीना है, मुझे अपनी जिंदगी एंजॉय करनी है, और सुमित से शादी भी तो करनी है, सॉरी यार मुझे यहाँ से जाना होगा, वरना तो यह जंगली शेर मुझे भी कच्चा चबा जाएंगे। ऐसा कहकर अर्चना वहाँ से भाग जाती है। कि माया बहुत ही ज्यादा डर रही थी कि अब तो वह नहीं बचेगी, इन दोनों जंगली शेर का शिकार हो जाएगी, लेकिन तभी उसके हाथ एक डंडा लगता है, और वह हिम्मत कर डर को भगाकर उसे उठाती है, और दोनों जंगली शेर की खूब पिटाई करती है, और उनके चंगुल से निकलकर भाग आती है। कि माया को सही सलामत जिंदा देखकर अर्चना के तो होश ही उड़ जाते हैं।
अरे ये किमाया की बच्ची काली कलूटी जिंदा वापस कैसे आ सकती है? अब तो जंगल भी खत्म होने वाला है, शहर आने वाला है और ये जिंदा बच गई। अब मैं क्या करूंगी? लगता है इस गरीब काली कलूटी की किस्मत मुझसे ज्यादा अच्छी है, जंगली जानवरों से भी बच कर आ गई। अर्चना, मुझे नहीं पता था कि मुसीबत के समय तुम मुझे इस तरह से अकेला छोड़कर आ जाओगी। अगर इस जगह तुम होती तो मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं आती, अपनी जान की बाजी लगा देती, लेकिन तुम्हें अकेला कभी नहीं छोड़ती। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे यह किसके चिल्लाने की आवाज़ आ रही है? इस जंगल में हमारे सिवा और कौन है? हमें उसकी मदद करनी चाहिए। किमाया वह आवाज सुनकर उस आवाज का पीछा करती है तो एक परी नदी में डूब रही थी। उसे तैरना नहीं आता था, किमाया पर तैरना आता था और वह तुरंत नदी में छलांग लगा देती है और परी को बचाकर बाहर लेकर आ जाती है। वह परी बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। परी को अपने सामने देखकर अर्चना और किमाया बहुत ही ज्यादा खुश होती है। तभी वह सुंदर परी किमाया को धन्यवाद कहती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मेरी मदद करने के लिए। मुझे तैरना नहीं आता था और मैं इस नदी में गिर गई। अगर समय रहते तुम मेरी जान नहीं बचाती तो मैं मर चुकी होती। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हें यह जादुई ब्राइडल सोने और चांदी के परियों के लहंगे नजर आ रहे हैं? हम परियां हर साल एक बार पृथ्वी पर आती हैं और जो हमारी परीक्षा में पास हो जाती हैं उन्हें हम इन दोनों में से एक जादुई ब्राइडल लहंगा देते हैं। सोने और चांदी के परियों के जादुई ब्राइडल लहंगे, यह तो कितने ज्यादा सुंदर है। अगर यह जादुई ब्राइडल लहंगे मुझे मिल जाए तो मेरी तो लॉटरी ही निकल आएगी। हमें यह पाने के लिए क्या करना होगा? एक तरफ तुम्हारे सामने जादुई परियों का चांदी का ब्राइडल लहंगा है और दूसरी तरफ परियों का जादुई सोने का ब्राइडल लहंगा है। अगर तुम परियों का जादुई सोने का ब्राइडल लहंगा चुनती हो तो तुम्हें अपनी इच्छा के अनुसार जिंदगी जीने को मिलेगी। यानी कि तुम जो चाहोगी तुम्हें वह मिल जाएगा। जिससे तुम शादी करना चाहोगी तुम्हारी उससे शादी हो जाएगी। तुम दुनिया में जो चाहोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। और दूसरी तरफ परियों का जादुई ब्राइडल चांदी का लहंगा है। अगर तुम इसे पहनोगी तो इसे पहनने के बाद तुम्हारी शादी एक ईमानदार और नेक इंसान से हो जाएगी और तुम जादुई ब्राइडल चांदी के लहंगे की मदद से गरीब अनाथ लोगों की मदद कर पाओगी। लेकिन अपनी नहीं, तुम्हें अपने लिए मेहनत कर कमाना पड़ेगा। अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें क्या चाहिए। अगर मैं परी का जादुई ब्राइडल सोने का लहंगा पहनती हूँ तो मुझे सुमित मिल जाएगा। मैं उससे शादी करना चाहती हूँ और साथ में इतनी सारी धन दौलत भी। और दुनिया में मैं जिस चीज पर हाथ रखूंगी वो मेरी हो जाएगी। इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है? मुझे नहीं चाहिए नेक और ईमानदार इंसान और ना ही मुझे गरीब और अनाथ लोगों की मदद करनी है। मैंने कोई ठेका नहीं लिया। परी जी, मुझे आपका जादुई ब्राइडल सोने का लहंगा चाहिए और जहाँ तक मुझे अंदाजा है कि माया को भी आपका सोने का ब्राइडल लहंगा ही पसंद आएगा, क्योंकि वह तो बेचारी गरीब है। उसे धन दौलत की भी जरूरत है और सुंदरता की भी। नहीं अर्चना, तुम गलत हो। मुझे धन दौलत की जरूरत नहीं है। मैं मेहनत कर कमाने पर विश्वास करती हूँ। और अगर परी का जादुई ब्राइडल चांदी का लहंगा पहनने के बाद मुझे एक ऐसा जीवन साथी मिल जाता है जो ईमानदार हो, नेक हो, इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है? और साथ में मुझे गरीब अनाथ लोगों की मदद करने का मौका भी मिलेगा। इतने पुण्य का काम करने का मौका मिलेगा जो मैं हमेशा से करना चाहती थी लेकिन गरीबी के कारण कर नहीं पाती थी। और मुझे सुंदरता की भी जरूरत नहीं है। मैं जैसी हूँ उसमें खुश हूँ। इसलिए परी जी, मुझे आपका जादुई चांदी का ब्राइडल लहंगा चाहिए। किमाया, तुम्हारे बहुत उच्च विचार हैं। तुम बहुत अच्छा सोचती हो। तुम्हारा मन शीशे की तरह साफ है। तुम बहुत अच्छी हो। तुमने मेरा काम आसान किया है। ये लो मेरा जादुई ब्राइडल चांदी का लहंगा और ये लो अर्चना अपना ब्राइडल सोने का लहंगा। वो सुंदर परी अर्चना और किमाया को ब्राइडल सोने और चांदी के लहंगे देकर वहाँ से अदृश्य हो जाती है। जैसे ही किमाया वह परी का जादुई ब्राइडल चांदी का लहंगा पहनती है तो वो बहुत ही ज्यादा सुंदर हो जाती है, जबकि उसने सुंदरता की इच्छा भी नहीं की थी। और साथ में उसके सामने धन दौलत का अंबार लग जाता है। और वहीं दूसरी तरफ अर्चना अपनी माँ को जादुई ब्राइडल सोने के लहंगे का जादू दिखाने में लगी थी। मम्मी, आप जानती हो इस जादुई ब्राइडल लहंगे की मदद से मैं कुछ भी चीज मांग सकती हूँ। मेरी हर ख्वाहिश पूरी हो सकती है। आपको यकीन नहीं आ रहा ना? मैं अभी आपको दिखाती हूँ मेरा घर सोने का हो जाए।
देखिए सोने का हो गया ना, मैं आपको भी सोने का बना सकती हूँ। परी के जादू सोने के ब्राइडल लहंगे, मेरी मम्मी को भी सोने का बना दो। अरे मम्मी आप भी सोने की बन गई, ये जादू सोने के ब्राइडल लहंगे मेरी मम्मी को ठीक कर दो। नहीं नहीं, अब तुम्हारी मम्मी इसी तरह सोने की मूर्ति बनी रहेंगी, वो ठीक नहीं होंगी। मेरे लहंगे से सिर्फ एक ही इच्छा पूरी करवा सकती हो, वो तुमने करवा ली, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। इसका मतलब मेरी मम्मी सोने की मूर्ति बनी रहेंगी, मेरी मम्मी मुझसे बात नहीं कर सकती, मैं मेरी मम्मी से बात नहीं कर सकती, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं मेरी मम्मी के बिना कैसे जीऊंगी? मेरी मम्मी को ठीक कर दो, मुझे नहीं चाहिए परी का जादू सोने का ब्राइडल लहंगा, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। यह सब तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था, अब कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें तुम्हारे लालच की सजा मिली है, अब तुम्हारी मम्मी ऐसे ही सोने की मूर्ति बनी रहेंगी। अर्चना बहुत ही ज्यादा फूट फूट कर रोती है, वह उस दिन को पछताती है जिस दिन वह जंगल गई थी और उसे परी का जादुई ब्राइडल सोने का लहंगा मिला, और उसे अपने किए पर भी बहुत पछतावा होता है। वह अपने दोस्त के साथ गलत करना चाहती थी और सुमित और किमाया को अलग करना चाहती थी, उसे अपनी गलती पर बहुत ही ज्यादा पछतावा होता है, और वह किमाया के पास जाती है, उसके पैरों में पड़ जाती है, उससे माफ़ी मांगती है। अर्चना यह तुम्हें क्या हो गया है, तुम मुझसे इस तरह से माफी क्यों मांग रही हो, क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? देखो तुम्हें सब कुछ मिल गया है जो तुम चाहती थी, फिर अब क्या कमी रह गई? अर्चना खड़ी हो, इस तरह से मत रो, मुझसे तुम्हारा रोना नहीं देखा जा रहा। किमाया तुम कितनी अच्छी हो, तुमने दोस्ती दिल से निभाई, सच्ची निभाई, और मैं कितनी बुरी हूँ, अपने दोस्त की पीठ में छुरा घोंप रही थी। तुम्हें पता है सुमित मुझे पसंद नहीं करता, तुम्हें पसंद करता है, वो तुमसे शादी करना चाहता है, और मैं तुम्हें दिल्ली नहीं लेकर जा रही थी बल्कि तुम्हें जंगल में मारना चाहती थी ताकि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, और देखो मुझे मेरी केक की सजा यही मिल गई, मुझसे मेरी माँ को छीन लिया गया, मेरी माँ मूर्ति बन गई, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, वरना मैं इस गिल्ट के साथ जी नहीं पाऊंगी। अर्चना तुम्हें अपने किए पर पछतावा है, इसलिए मैंने तुम्हें माफ किया, और तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो। अगर सुबह का भोला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भोला नहीं कहते, तुमसे गलती हुई और तुम्हें उसका पछतावा भी हो गया, मैंने तुम्हें माफ किया। किमाया के माफ करते ही अर्चना की माँ बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। अर्चना बहुत ही ज्यादा खुश होती है और वह आज के बाद कभी भी अपनी दोस्त का बुरा नहीं चाहती, और वह अपनी दोस्त की शादी की तैयारियां अपने हाथों से करती है और बहुत धूमधाम से किमाया की शादी सुमित से करवाती है, और इस तरह परी के जादू सोने और चांदी के ब्राइडल लहंगे की मदद से दोनों दोस्त दोबारा से एक हो जाती हैं। अर्चना को अपने के का पछतावा हो जाता है। एक बार की बात है, किशोर नगर नामक गांव में दो बहनें नेहा और काजल अपनी गरीब विधवा माँ के साथ रहा करती थीं। कुछ समय पहले ही नेहा और काजल के पिता का एक सड़क हादसे में निधन हो जाता है। तब से ही सुजाता ने अपनी दोनों बेटियों की जिम्मेदारी उठाई थी, लेकिन इस तरह अपनी दोनों बेटियों की अकेले जिम्मेदारी उठाते उठाते सुजाता बीमार हो जाती है, और अब वह अक्सर बीमार रहा करती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था और एक दिन काजल अपनी माँ से कहती है, मम्मी मुझे सिलाई सीखनी है, मुझे सिलाई सीखने का बहुत शौक है। आपको याद है मैंने कुछ दिन पहले नेहा की फ्रॉक फट गई थी, उसे किस तरह से ठीक कर दी थी? दीदी आपने मेरी फटी फ्रॉक क्या ठीक कर दी, आप तो खुद को डिजाइनर ही समझने लगी। मम्मी देखो तो दीदी दर्जी बनना चाहती है, गांव में एक से बढ़कर एक बुटीक है, उन्हें छोड़कर कोई आप जैसी मामूली सी गरीब लड़की के पास अपने कपड़े सिलवाने क्यों आएगा? नेहा ऐसे नहीं कहते, और क्या पता काजल कितनी अच्छी सिलाई सीख जाए, इसी से सब अपने कपड़े सिलवाने आए। काजल यह तो तुमने बहुत अच्छा सोचा है, तुम सिलाई सीखकर मेरा सहारा बनोगी, तुम कोई अच्छी सिलाई सेंटर्स देखकर सिलाई सीखना शुरू कर दो, मैं कहीं ना कहीं से पैसों का बंदोबस्त कर ही दूंगी, मेरी प्यारी बेटी दर्जी बनेगी। अपनी माँ की यह बात सुनकर काजल खुश हो जाती है और वह गांव में एक सिलाई सेंटर देखकर वहाँ पर सिलाई सीखना शुरू कर देती है, और वह बहुत मेहनत से सिलाई सीखती है। वह घर आकर भी बस डिजाइन ही बनाती रहती थी, और कुछ ही महीनों में काजल को बहुत अच्छी सिलाई करनी आ जाती है। लेकिन काजल ने अभी नई नई सिलाई सीखी थी, इसलिए गाँव की कोई भी लड़की या औरत उससे अपने कपड़े सिलवाने नहीं आती थी, और उसे बुटीक पर भी नौकरी नहीं मिल रही थी। काजल
बहुत परेशान हो जाती है। तभी नेहा काजल से कहती है, दीदी मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप सिलाई मत सीखिए, आपसे कोई कपड़े सिलवाने नहीं आएगा, लेकिन आपको तो बस एक ही रट थी कि आपको सिलाई सीखनी है, सिलाई सीखनी है, सिलाई सीखनी है। देख लीजिए आपने मम्मी के इतने सारे पैसे पानी में डाल दिए, वो किसी काम के नहीं रहे। नेहा अब तो मुझे भी ऐसे ही लग रहा है, जो भी जमा पूंजी थी सब मेरी सिलाई सीखने में खर्च हो गई। मैं माँ की दर्जी बेटी तो बन गई, लेकिन उनका सहारा ना बन पाई, मुझे बहुत दुख होता है। नेहा तुम्हारे तो बहुत दोस्त हैं, चलो तुम्हारे दोस्त के पास चलते हैं, क्या पता वो मुझसे कपड़े बनवा ही ले। हाँ मेरे दोस्त तो बहुत हैं और वो अमीर भी बहुत ज्यादा हैं, क्या पता तुमसे कपड़े बनवा ही ले, और एक दोस्त की तो शादी भी होने वाली है। हाँ ये ठीक रहेगा, चलो वहाँ चलते हैं। काजल नेहा के साथ उसके दोस्त के यहाँ चली जाती है। सभी दोस्त रेस्टोरेंट में बैठकर पार्टी कर रही थी और वह नेहा और काजल को देखकर हंसना शुरू कर देती हैं। अरे यार नेहा तू यहाँ पर क्यों आई है, क्या तुझे पता नहीं यहाँ पर सब अमीर अमीर लोग हैं, लेकिन तू अपनी गरीब बहन के साथ यहाँ पर आ गई। अपने कपड़े तो देखो कितने ज्यादा फटे पुराने हैं, इनके अंदर से कितनी ज्यादा बदबू आ रही है यार। कम से कम यहाँ पर धुले हुए कपड़े तो पहन कर ही आ जाती, इस तरह हमारी इंसल्ट तो नहीं करती। तो हमारी दोस्त मोहल्ले की है यहाँ की नहीं, हम यहाँ अपनी इस तरह इंसल्ट करवाने नहीं आए। नेहा मुझे तुम्हारे पास इसलिए लेकर आई थी ताकि हम तुम्हें यह बता सके कि मैं सिलाई करना जानती हूँ और तुम्हारी शादी भी होने वाली है, अगर तुम्हें हमसे कोई कपड़े बनवाने हो तो बनवा लेना, लेकिन तुम्हारा घमंड देखकर मुझे नहीं लगता कि तुम हमारी कोई मदद कर पाओगी। चलो नेहा यहाँ से चलते हैं। नेहा क्या मजाक है, तेरी ये गरीब बहन हम जैसी अमीर लड़कियों के कपड़े तैयार करेगी? यार तूने सोच भी कैसे लिया, हम बहुत ज्यादा अमीर हैं, हम ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, तेरी जैसी गरीब बहन के सिले हुए कपड़े नहीं पहनेंगे। तेरी बहन के सिले हुए कपड़े तो हमारे घर की नौकरानी न पहने, हमारी तो बहुत दूर की बात है। क्यों दोस्तों मैं सही कह रही हूँ ना, इन गरीब बहनों के तो देखो कैसे सपने देख रही है। नेहा और काजल अपनी इतनी ज्यादा इंसल्ट होते देख उन्हें बहुत दुख होता है और वो वहाँ से तुरंत आ जाती हैं। घर आकर देखती हैं तो उनकी माँ फर्श पर बेहोश पड़ी थी। अपनी माँ को इस तरह बेहोश देखकर दोनों बहनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। नेहा नेहा माँ को क्या हो गया, कुछ देर पहले तो माँ बिल्कुल ठीक थी, उन्होंने हमारे लिए खाना भी बनाया था, फिर अचानक माँ को क्या हो गया? माँ अपनी आंखें खोलिए, देखिए आपकी दोनों बेटी आपके पास है, कृपया करके अपनी आंखें खोलिए माँ, माँ अपनी आंखें खोलिए। काजल नेहा अपनी माँ को होश में लेकर आने की बहुत कोशिश करती हैं, लेकिन सुजाता होश में नहीं आती। तभी दोनों बहन तुरंत अपनी माँ को हॉस्पिटल लेकर जाती हैं। तभी डॉक्टर सुजाता के सभी चेकअप करने के बाद नेहा और काजल से कहती हैं, लगता है तुम्हारी माँ काफी समय से बीमार थी और उन्होंने डॉक्टर को भी नहीं दिखाया और वो ऐसे ही बुखार में काम करती रही, इसलिए तुम्हारी माँ का बुखार बिगड़ चुका है, उन्हें अच्छे से अच्छे ट्रीटमेंट की जरूरत है और स्ट्रेस तो इन्हें बिल्कुल नहीं दिया जाएगा, और जितना हो सके अपनी माँ को आराम दिलाओ वरना तुम्हारी माँ का बचना मुश्किल हो जाएगा। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? डॉक्टर माँ के इलाज कराने में कितने पैसे लग जाएंगे? देखो तुम्हारी माँ को हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा और अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट देना होगा, इसलिए सारा खर्चा मिलाकर 1 से 1.5 लाख तो समझ ही लो। इतने सारे पैसे सुनने के बाद नेहा और काजल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि वो इतने सारे पैसों का बंदोबस्त कहाँ से करेंगी। घर आ जाने के बाद काजल नेहा से कहती है, नेहा हमने पिताजी को तो खो दिया लेकिन माँ को नहीं खो सकते, अगर वो नहीं बचेंगी तो हमारे जीने का क्या मकसद, इसलिए मैंने सोचा है अपने इस छोटे से घर के कागजात गिरवी रख देती हूँ, इतने तो पैसे मिल ही जाएंगे कि माँ का इलाज शुरू हो जाए और उसके बाद मैं शहर जाऊंगी। मैंने सिलाई सीखी है, क्या पता वहीं पर मेरे हुनर की पहचान हो जाए और मुझे वहाँ पर नौकरी मिल जाए। तुम यहाँ पर माँ का ख्याल रखना। ठीक है दीदी मैं यहाँ माँ की बहुत अच्छे से सेवा करूँगी, बस आप शहर में जाकर अच्छे से नौकरी ढूंढकर पैसे कमाना।
काजल अपने घर के कागजात सेठ के यहाँ लेकर जाती है और वह अपना घर गिरवी रख देती है और उसे थोड़े पैसे मिल जाते हैं, जिसकी वजह से सुजाता का इलाज शुरू हो जाता है। काजल नेहा को माँ की जिम्मेदारी देकर शहर चली जाती है और शहर जाकर काम ढूंढती है। काजल को एक बुटीक पर नौकरी मिल जाती है। काजल के बने हुए फ्रॉक बुटीक मालकिन और कस्टमर को बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहे थे। बुटीक मालकिन काजल से बहुत खुश थी। काजल हर महीने पैसे अपने घर भेज रही थी, जिस वजह से सुजाता का इलाज अच्छी तरह से हो रहा था और नेहा की जरूरतें भी पूरी हो रही थी। काजल अब बहुत खुश थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। बुटीक में रहने वाली दो बहनें वो काजल की तरक्की से जलने लगती हैं। वह अंदर ही अंदर काजल से जल भूल कर राख हो रही थी। दिव्या, मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही, पता नहीं काजल के बच्चे का इतना नाम क्यों हो रहा है। हम तो इतने सालों से यहाँ पर काम कर रहे हैं, लेकिन एक दिन भी मालकिन हमारी तारीफ नहीं करती और काजल के बच्चे की रोजाना तारीफ करती करती नहीं थकती। काजल, तुम कितनी सुंदर फ्रॉक बनाती हो, तुम्हारी वजह से हमारे बुटीक पर कितने ज्यादा कस्टमर आ रहे हैं। मुझसे तो ये सब देखा नहीं जा रहा, उस काजल के बच्चे का इतना नाम होते देख। अरे तानिया, काजल के बच्चे से तो हमें अपना पीछा छुड़ा नहीं पड़ेगा। देख, इसके पिता जिंदा नहीं है, माँ बीमार रहती है और एक छोटी बहन है, वो भी गांव में। बेचारी यहाँ अपने घर का बोझ उठाने आई है, इसके आगे पीछे कोई नहीं है। गरीब माँ की दर्जी बेटी, वो क्या बिगाड़ पाएगी। अगर हम कुछ ऐसा करते जिसकी वजह से मालकिन का पारा हाई हो जाए और वो इसे बुटीक से निकाल दे, तो बेचारी कहीं की नहीं रहेगी। ना अपनी माँ का इलाज कर पाएगी और ना ही यहाँ पर नौकरी। बहुत मजा आएगा। ऐसा सोचकर दोनों बहनें बहुत खुश होती हैं और वो काजल को बुटीक से निकालने का एक खतरनाक प्लान बना लेती हैं। और एक दिन मालकिन काजल के ऊपर बुटीक की जिम्मेदारी छोड़कर चली जाती हैं। तभी दिव्या और तानिया इस बात का भरपूर फायदा उठाती हैं और वह बुटीक में आग लगा देती है। जब इस बात की खबर बुटीक मालकिन को लगती है तो वह काजल को जोर से थप्पड़ मारकर कहती है, काजल तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। मैंने बुटीक की जिम्मेदारी तुम्हें इसलिए दी थी ताकि तुम अच्छी तरह से काम कर सको, लेकिन नहीं, तुमने तो मेरा इतना बड़ा नुकसान कर दिया। मुझे तुम जैसी गरीब को अपने यहाँ शहर में नौकरी देनी ही नहीं चाहिए थी। मैंने सोचा था गरीब की बेटी है, नौकरी दे देती हूँ, लेकिन तुमने तो मेरा इतना बड़ा नुकसान कर दिया। अब मुझे नहीं पता कि तुम मेरा इतना बड़ा नुकसान कहाँ से भरोगी, लेकिन मुझे मेरे बुटीक के पूरे 2 लाख रुपए चाहिए। मालकिन जी, मुझे नहीं पता ये सब कुछ कैसे हो गया। जब मुझे इस बात की खबर लगी तो मैं भी यह देखकर दंग रह गई कि अचानक बुटीक में आग कैसे लग गई। मेरी बात का भरोसा कीजिए, यह सब मेरी वजह से नहीं हुआ। आप तो मेरे हालात जानती हैं, गांव में मेरी गरीब बीमार माँ, मेरी छोटी बहन, मैं आपको 2 लाख रुपए कहाँ से दूंगी। घर पहले ही गिरवी है, मुझ जैसी गरीब दर्जी के ऊपर थोड़ा तो रहम करो। मालकिन जी, आपको पता है मैंने इसे इसकी बहन से बात करते हुए सुना था, ये कह रही थी कि ये आपको बड़ा झटका देने वाली है और शहर में आपकी जगह बुटीक खोलने वाली है, क्योंकि इसके बने हुए फ्रॉक कस्टमर को बहुत पसंद आ रहे थे ना, इसलिए यह अपना नया काम शुरू करना चाहती थी। आप नहीं जानती गांव की लड़के कितनी ज्यादा चंड और चालाक होती है, यह गरीब माँ की दर्जी बेटी आपके साथ ऐसा ही करना चाहती थी। दिव्या और तानिया आग में घी डालने का काम करती हैं। दोनों बहनों की बातें सुनकर बुटीक मालकिन और भी ज्यादा गुस्से से लाल पीली हो जाती हैं। बेचारी काजल मालकिन के सामने बहुत रोती है, गिड़गिड़ाती है, लेकिन बेचारी की वो एक नहीं सुनती और वह रोते हुए अपने गांव की तरफ आ रही थी और वह एक जगह बैठकर बहुत रोती है। अब मैं गांव में क्या मुँह लेकर जाऊंगी, नेहा पैसे आने का इंतजार कर रही होगी, माँ का इलाज चल रहा है। मैं माँ से क्या कहूंगी कि आपकी बेटी के ऊपर झूठा इल्जाम लग गया और उसे 2 लाख रुपए देने हैं, इतनी बड़ी रकम मैं कहाँ से लेकर आऊंगी। हे ऊपर वाले, हम जैसे गरीब बेसहारा लोगों के ऊपर भी थोड़ा रहम कर। मेरी माँ ने कितनी मुश्किलों से पाई पाई जोड़कर मुझे सिलाई सिखाई और यहाँ आकर मुझे काम मिल भी गया तो इतना बड़ा नुकसान हो गया, मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इस तरह से सपना बहुत रोती है और अपने आंसू साफ कर कर जाने लगती है कि तभी उसे जंगल में एक बहुत ही ज्यादा चमचमाता हुआ फ्रॉक नजर आता है, जिसे देखकर काजल की आंखें खुले की खुली रह जाती हैं। तभी उस फ्रॉक से आवाज आती है,
मैं एक जादुई फ्रॉक हूँ। मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को नजर आता हूँ जो परेशान होते हैं। अगर मैं तुम्हें नजर आया हूँ तो जरूर तुम परेशान हो, इसलिए तुम मेरे जादुई फ्रॉक को जैसे ही पहनोगी तुम्हारे सामने बहुत ही ज्यादा सुंदर सुंदर ब्रांडेड फ्रॉक आ जाएंगे, जिन्हें बेचकर तुम अपनी सारी दुख परेशानी दूर कर सकती हो। और हाँ, एक बात का हमेशा ध्यान रखना, मेरे जादुई फ्रॉक से कभी भी लालच मत करना, क्योंकि मैं कभी भी लालची और बुरे लोगों की मदद नहीं करता। अगर मेरे साथ किसी ने भी लालच किया तो उसके साथ अच्छा नहीं होगा। ठीक है, चलो अब तुम जल्दी से मुझे पहन लो। जादुई फ्रॉक, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम नहीं जानते कि तुमने मुझे कितनी बड़ी मुसीबत से बचाया है। अगर तुम मुझे ना मिलते तो मैं जेल में होती और मेरी माँ का इलाज भी नहीं होता और मेरी छोटी बहन अकेली रह जाती। तुम्हारा दोबारा से बहुत बहुत धन्यवाद। काजल जादुई फ्रॉक को धन्यवाद कहती है और जैसे ही वह पहनती है तो उसके सामने बहुत ही ज्यादा सुंदर सुंदर ब्रांडेड फ्रॉक आ जाते हैं और वह उन्हें मार्केट में बेचने जाती है बहुत ही सस्ते दामों में। तो उसके पास भीड़ लग जाती है और कुछ ही समय में उसके पास बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो जाते हैं और वह बुटीक मालकिन को सब पैसे दे देती है। यह देखकर तानिया और दिव्या की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अरे यार, इस गरीब के पास 2 लाख रुपए कहाँ से आए? हमें तो लगा था कि मालकिन इसे जेल करा देंगे क्योंकि इसके पास इतने पैसे होंगे ही नहीं, लेकिन इसने 1 महीना होने से पहले पहले 2 लाख रुपए दे दिए। मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा यार। तानिया, मैंने एक बार इसे सड़क के बाहर फ्रॉक बेचते हुए देखा था। बहुत ही ज्यादा सुंदर और ब्रांडेड थे और बहुत ही सस्ते। इतना सस्ता तो कपड़ा भी नहीं मिलता जितनी सस्ते ये सुंदर फ्रॉक बेच रही थी। मुझे तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ नजर आ रही है, पता लगाना चाहिए। ऐसा सोचकर दोनों बहनें काजल के ऊपर नजर रखना शुरू कर देती हैं। हमेशा की तरह आज भी काजल जादुई फ्रॉक पहनकर बहुत ही ज्यादा सुंदर सुंदर ब्रांडेड फ्रॉक मांग रही थी। उसके सामने बहुत ही ज्यादा फ्रॉक आ जाते हैं और वह बाद में उन्हें मार्केट में बेचने चली जाती है। उसी समय तानिया और दिव्या को पता चल जाता है कि काजल के पास जादुई फ्रॉक है और वह दोनों बहन बहुत ही ज्यादा खुश होती हैं। अच्छा, तो इस गरीब दर्जी के पास जादुई फ्रॉक है जिसे पहनकर सुंदर सुंदर फ्रॉक मिलते हैं। दिव्या, अगर यह जादुई फ्रॉक हमारे पास आ जाए तो हम एक नया शोरूम खोलेंगे और हमारा कितना ज्यादा नाम होगा। और मैं तो कहती हूँ इस गरीब लड़की को भी अपने रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हटा देते हैं। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी और जादुई फ्रॉक हमेशा हमारे पास रहेगा। क्यों, मैं ठीक कह रही हूँ ना? बहुत मजा आने वाला है। ऐसा सोचकर दोनों बहनें बहुत खुश हो रही थी। और एक दिन मौका देकर जब काजल घर पर नहीं होती तो वह जादुई फ्रॉक चुरा कर अपने घर लेकर आ जाती हैं। और जैसे ही तानिया जादुई फ्रॉक पहनकर फ्रॉक मांगती है तो उसे बहुत तेज करंट लगता है और वह करंट लगता ही रहता है। तानिया पूरी तरह से पागल हो जाती है। तभी दिव्या काजल के पास जाती है और उसे कहती है, काजल, काजल मेरी बहन को बचा लो। हमने तुम्हें मारने का प्लान बनाया था और बुटीक भी हमने ही चलाया था और तुम्हारा जादुई फ्रॉक भी हम चुरा कर ले गए, जिसे पहनकर तानिया को बहुत तेज करंट लग रहा है, वो पागल हो गई। मेरी बहन को बचा लो। हमने तुम्हारे साथ जो भी कुछ किया है वो सब हम मानते हैं। हमने बहुत गलत किया है, हमें माफ कर दो। काजल बहुत अच्छे स्वभाव की लड़की थी। वह दिव्या और तानिया को माफ कर देती है और जादुई फ्रॉक से कहकर तानिया को ठीक कर देती है। तानिया और दिव्या बुटीक मालकिन के पास जाती हैं और उन्हें सब सच बता देती हैं। बुटीक मालकिन काजल से माफी मांगती हैं और दोनों बहनों को जेल भेज देती हैं। दिव्या और तानिया को उनके बुरे कर्मों की सजा मिल जाती है और काजल खुशी खुशी अपने घर जाकर अपनी माँ और बहन को जादुई फ्रॉक के बारे में बताती है, जिसे सुनकर दोनों बहुत खुश होती हैं। नेहा, मैंने कहा था ना, मेरी दर्जी बेटी एक दिन मेरा बहुत नाम रोशन करेगी। और देखो, हमारी दर्जी बिटिया ने और इसके जादुई फ्रॉक ने हमारी सब दुख परेशानी दूर कर दी। अब हम पूरे गांव में सबसे ज्यादा अमीर हैं। काजल अपनी माँ और बहन के चेहरे पर यह खुशी देखकर बहुत खुश होती है और इस तरह एक दर्जी बेटी जादुई फ्रॉक की मदद से अपने पूरे परिवार के साथ हंसी खुशी रहती है।